दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भावना, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि लकार क्या होते हैं। वैसे पढ़ेंगे हम लकार नहीं, हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी हिंदी होती है ना, उसे संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। क्या पढ़ेंगे? हिंदी को संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, जो कि हमारी संस्कृत में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है, तो अनुवाद करने से पहले हमें इनके बारे में जानना होगा कि लकार आखिर क्या होते हैं। अब जैसे कि हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य को बनाने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम काल के बारे में पढ़ेंगे ना, कि हम वाक्य को बनाएंगे तो पहचानेंगे कैसे। देखो, आप अगर कोई भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश के वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो क्या करते हैं? उससे पहले हम टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस है तो हम करते हैं ना। जैसे कि अब ये हमारा पास्ट टेंस है, मतलब ये हमारा भविष्य काल है, तो इसे पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे, वोस लगाएंगे, ये सब कैसे करते हैं? टेंस पढ़ के। उसी प्रकार हम जब हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो हम इन लकारों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो लकार हमारे पांच होते हैं। एक होता है लट लकार, संस्कृत में कहते हैं लट लकार को, वर्तमान काल को लट लकार, और भूतकाल को लंग लकार, भविष्य काल को लीट लकार, और अर्थिम काल को लोट लकार। फिर आता है चाहिए के लिए, इसको कहते हैं विधि लंग लकार, मतलब कोई हम कोई भी चीज मांग उसे चाहिए तो वो विधि लंग लकार होगा। तो ये हमारे कितने लकार होते हैं? पूरे पांच लकार होते हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो लट लकार क्या होगा? तो लट लकार हमारा होता है वर्तमान काल, जो भी कार्य हम क्या करते हैं, अभी कर रहे हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, वह खेलता है, वर्तमान में ये सब आते हैं। लंग लकार, लंग होता है वो जो बीत चुका है, जैसे कि उसने खाया, उसने पढ़ा। फिर आता है लीट लकार, तो लीट लकार मतलब भविष्य है, वह खेलेगा, वह खाएगा। लोट लकार होता है मतलब हम कोई किसी को आज्ञा देते हैं, क्या देते हैं? किसी को हम आगे देते हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ और तुम्हें पढ़ना चाहिए, वो हमारा विधि लंग लकार जाएगा। ठीक है, तो हमने लगा इतना था, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है? आप कहोगे ये क्या पढ़ा रही हूँ मैं, तो इन्हीं से तो हम बनाएंगे कि हम वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करेंगे। जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ, वह पढ़ता है। तो अब इसमें ये जो वाक्य है, अब हमें ये जानना पड़ेगा, इसे हमें संस्कृत में अनुवाद करने से पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी, वह को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, पढ़ता को संस्कृत में क्या कहते हैं, और है को संस्कृत में क्या कहते हैं, तभी तो हम इसको संस्कृत में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमें ये तो पता है कि लट लकार है, मतलब वर्तमान काल है, वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, तो ये तो हमें पता है कि लट लकार है। पर लट लकार है तो ये पता है, पर लट लकार में हमें करना क्या है, इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे कि जैसे हम बोलते हैं हिंदी में है, तो जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इज एम आर ये सब यूज करते हैं ना। अगर हम था को इंग्लिश में करते हैं तो वोस बोलेंगे, कहेंगे ना ऐसे हम करते हैं। तो इसी प्रकार हमें संस्कृत में जानना है सब कुछ। तो संस्कृत में जाने तो कैसे करेंगे? हमने आपको दो ये जो हमारे चार्ट है वो दिए हैं, तो इसकी सहायता से हम जानेंगे। तो पहला है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब तो आपने अगर पहले पढ़ रखा हो संस्कृत के अंदर, तो ये सब हमारे हैं, संस्कृत की बुक में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देखो, प्रथम पुरुष स, सा, तौ, ते, ता। अब ये सब क्या है? तो स, ता है, ये सब है ना वह होता है, इसका मतलब होता है वह पढ़ता है। अगर हम पढ़ता लगाते हैं तो वह के स्थान पर क्या लगाएंगे? स लगाएंगे, ये हमने स लगा दिया। अगर लड़की हुई, वह पढ़ती है, तो सा लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि वे दोनों पढ़ते हैं, अगर मैंने लिखा इसके स्थान पर वे दोनों, कि वे दोनों पढ़ती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे तौ। ठीक है, अगर हमने लिखा कि वे सब पढ़ते हैं, इसमें आएगा वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, और इसमें वे सब आता है, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे ऐसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, जिसमें अगर वे दोनों आ जाए तो हमें तव या ते में से लगाना है, वे सब आ जाए तो ते और ता में से लगाना है। तो फिर आता है तवम, युयाम, युयम, ये सब हमारे मूल शब्द है, हम जानना पड़ता है। तवम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम। तवम मतलब तुम दोनों, क्या होता है? तुम दोनों, क्या आता है? तुम सब। अहम होता है मैं, और ये होता है आवाम, हम दोनों,
और फिर आता है हम सब। तो अगर आपको वाकई मिल जाएगी हम सब पढ़ते हैं तो वयम लगा देना है, हम सब हम दोनों पढ़ते हैं तो अवम लगा देंगे, मैं पढ़ता हूँ तो अहम लगाएंगे, तू पढ़ता है तब हम लगाएंगे, युयाम मतलब तुम दोनों पढ़ते हो तो युयाम आएगा, तुम सब पढ़ते हो तो युयम आएगा। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर पढ़ता ही लगाए, हम यहाँ पर खेलता नाचता कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप पढ़ता लगाओ तो पठ धातु का यूज होता है, खेलता लगाओ तो क्रीड़ धातु का यूज होता है। नमस्कार, मैं नमस्कार करता हूँ तो मैं अहम, नमस्कार हमारे इसको अगर संस्कृत में बोले तो नम धातु है, तो मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता, तो हम क्या लिखेंगे अहम नमामि, क्या लिखेंगे अहम नमामि। अब जैसे हम बोलते हैं तो हमने ये जान लिया कि जब हमारा वह आ जाए, वे दोनों आ जाए, वे सब आ जाए, तू तुम दोनों तुम सब आ जाए, मैं आ जाए, हम दोनों आ जाए, हम सब आ जाए, तो वहां पर हमें क्या लगाना है। पर अब हम ये जानते हैं कि जब आ जाता है ये तो हो गया हमारा, पर हम यहाँ लिखते हैं वह पढ़ता है में हम क्या होता है पट धातु लगाते हैं, पढ़ता में होता है ना पट्टी पठन पठंती पट्टी पठन पठंती पटसी पठन पठन पठान पढ़ा पढ़ा। तो इसमें जो होता है स पठ, अब स पठ थोड़ी ना होगा, मैंने भी क्या बोला आपको पट्टी पठत पठंती पटसी पठत पठत पठामी पठाओ पठाम, आखिरी है क्या। तो यही हमारे क्या होते हैं ये दूसरे चार्ट में आपको ये बता रखा है कि जब हम लंग लकार करते हैं तो उसमें आता है ती लास्ट में, जब भी कोई धातु होता है ना उसके लास्ट में ती सी जो ती सी नी त य आव नती त और आम, यहाँ पर मैं आएगा ठीक है। तो अब हमें इनके आगे कोई भी हमें धातु रखनी है फिर हमें बनाना है। यहाँ ती है तो कोई भी धातु, नम लगाओगे तो नमती बनेगा, पट लगाओगे तो पट्टी बनेगा, गच्छ धातु लगाओ तो गच्छती बनेगा, गच्छती गच्छत गच्छन्ती गच्छसी गच्छत गच्छत गच्छामी गच्छाओ गच्छाम, पट्टी पठत पठन्ती पट्सी पठत पठत पठामी पठाओ पठाम, ये सब हो गया। तो ये होता है किड़ती किड़त किड़न्ती किड़सी किड़त किड़त किड़ामी किड़ाओ किड़। तो ये सब हमारे हो गए, यही हमारे बनते हैं इसी प्रकार से। अब मैं कोई भी एग्जाम्पल लेती हूँ, वह पढ़ता इसे पूरा करते हैं। तो वह का हमने स लगाया, पढ़ता है पढ़ धातु है तो पठ लगाई, पठ धातु है ना तो पठ लगाए, और ता पठता है क्या है पठता है, वह पठता है क्या है इसमें। अब ध्यान दीजिए अब आपको हमें कैसे बच रही पठ धातु इसमें कौन सी लगेगी, तो इसलिए हम जान सकते हैं जब यहाँ पर वह आ गया मतलब स आ गया, कहने का मतलब है प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रथम पुरुष आया है ये वाला, तो इसमें भी यही आएगा ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए तुम दोनों पढ़ते हो तो युयाम आ जाएगा और फिर आ गया हमारा थ लग जाएगा पट पट धातु के अंदर। देखो वह है तो से आया, पढ़ता है पढ़ता में पट धातु है तो यहाँ पर ती आएगा पठती है स पठती, तुम सब पढ़ते हो तुम सब पढ़ते हो, तुम सबको हम क्या कहेंगे तुम सब देखो यार गेरा, तुम सब युयम, तुम सब क्या होता है युयम। फिर आता है तुम सब पढ़ते हो, पढ़ते हो अब ध्यान दीजिए आप तुम सब कहाँ पर है, तुम सब हमारा बहुवचन है, बहुवचन के मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बहुवचन में है तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में तो नीचे भी देखेंगे हम, मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या है है, तो हम क्या लग देंगे पठ धातु तो यूज होगी यहाँ पर, पठ में थ लगा देंगे युयम पठत हो जाएगा ठीक है। ऐसे हम लेते हैं तुम जाते हो, तुम जाते हो तुम का क्या है तुम हमारा ये तुम ही होगा ना तू तुम, तो तुम तवम आ जाएगा, तुम की जगह पर क्या लग जाएगा तवम लग जाओगा लग जाएगा। तो तुम जाते हो, जाते मतलब गच गच धातु यूज होगी इसके अंदर, तो गचती गचत गचंती। अब इसमें देखो मैंने आपको कहा तुम जाते हो, तुम में हम जान गए कि हाँ तवम आएगा, तवम कहाँ पर है एक वचन मध्यम पुरुष के एक वचन में तवम है तो मध्यम पुरुष के एक वचन में सिया है, सी है ना, तो फिर आ जाएगा हम तवम गच्छसि, तवम गच्छसि आ जाएगा ठीक है। तो उसी प्रकार बना सकते हैं, ये टेबल आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो इसी के साथ हमने संस्कृत में अनुवाद करना भी सीख लिया, ये सिर्फ मैंने आपको लंग लकार का बताया,
जैसा मैंने आपको लट लकार का बताया है, आगे जितने भी लकार आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के हम और लकार पढ़ने वाले हैं, तो आई होप कि आपको ये लकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।